दिख रहा होगा, मैं भी एकदम हजुरबा कस्तो देख्दैछ एकदम ठीक छ नि। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जाने वाले हमारी मामा घर, जो मैंने पहले भी बताया था बहुत दिन पहले कि हम मामा घर जाने वाले ऐसे ही बोलते बोलते। सो आज फाइनली वो दिन आ गया है। हमारे गोंदे भी जा रहा है मेरे साथ, हमारे मम्मी जी इधर है, इधर है ना, हाय भन्नो हाय। वहाँ हम बॉडी चाहिए, वहाँ एकदम क्या रे वो बुआरी का बोलते, बॉडी का छोड़ा बुआरी, दो बेटा दो बुआरी आए विदेश से, एक तो इंडियन लाव रहे और एक विदेश से आए। तो वो लोग, हम तो एक्चुअली भैया से मिलने आए थे लेकिन भैया नहीं है, मंदिर चला गया। सो कोई नहीं, जो भैया ने मिठाई लाया रहा वही खाने है। अभी बॉडी तो वही हर पल के जैसे चाय बनाने वाली है। सो हम लोग यहाँ से थोड़ा देर में निकलेंगे और हमारे यहाँ बाइक भी इधर है, क्या बोलते हो गंदे हमारे एक्स राइफल मैन सिक्स पैक के साथ। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ से निकल रहे और आप लोग को मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉक में। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं। बहुत दिन के बाद मोटो ब्लॉक में फिर से कर रहा हूँ। पहले तो मैंने नेपाली में किया था, अभी हिंदी में कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। तो मतलब ऐसा क्या होता है ना, फ़ोन से मतलब मोटो ब्लॉग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, गोप्रो जैसा नहीं होता है। और इसमें जो एक्सेसरीज लगते हैं जिसमें मतलब कभी कभार क्या होता है, वो विंड की वजह से ना वॉइस सुनते नहीं आता है। अभी तो पता नहीं मैं कैसा आ रहा है, मुझे भी मालूम नहीं। तो हम एक बार सिलंजन आगे में वहाँ पे एक बार रुकना है, मेरा थोड़ा बहुत काम है तो वहीं पे एक बार चेक कर लेंगे वॉइस क्या कैसे आ रहा है। इसलिए मेरा मोटो ब्लॉग करने का बहुत पहले से, मतलब जब से मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया है, उससे भी पहले बहुत पहले जब मैं यूट्यूब को जान रहा था, पहचान रहा था यूट्यूब क्या कैसा होता है, तब से मेरा मतलब दिल था कि मैं मोटो ब्लॉग करूँगा, मैं अपने जगह को इस व्यंजन का व्यंजन को इसे एक्सप्लोर करूँ बोल के बहुत पहले से था। लेकिन मतलब उतना हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप अभी देखिए मतलब हो नहीं रहा है जितना हो पा रहा है। मैं कर रहा हूँ एक्सप्लोर तो नहीं बोल सकते, ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसा होता है ना। ये तो मतलब सार लाख पैसा देना पड़े ना तो रिचार्ज को। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग मतलब 50% रोड कवर, मतलब 50% हम लोग ने कवर कर लिया अभी तक। सो अभी यहाँ रुके थोड़ा, मतलब क्या होता है ना, बहुत बम दर्द करने लगे यहाँ बैठ बैठ के बाइक का भी। ये तो चिकना मिकना सा है, इसका तो ऐसे भी दर्द करेगा है कि नहीं, दर्द कर रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब मुझे पता है इसको दर्द होता है बोल के, मर्द को दर्द नहीं होता, ये डायलॉग थोड़ा बहुत झूठ है एक्चुअली, यस सिर्फ डायलॉग ही है कुछ नहीं है। सो अभी मतलब क्या होता है ना, ज़्यादा बाइक एक्चुअली मैंने कल भी कंटिन्यू अप एंड डाउन गोलार्ड मैंने चलाया रहा कल में गोलार्ड यार, तो लाइक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि क्या बनाया यार गोलार्ड, हम बहुत एक बार देख ही चुके हैं पहले वाले ब्लॉग में। एक्चुअली मैं वही जगह गया रहा और विशाल मार्केट गया रहा, इसलिए वीडियो नहीं बनाया। सो यार आज बनाया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अभी मिलते हैं आप सीधा मोटो ब्लॉग में मिलते हैं। ये रास्ता से आता है एक बार हम लोग वो सरस्वती पूजा में
जो ये वाला रास्ता आया ना, तो मतलब इतना वो लाइफ टाइम याद रहेगा वो सरस्वती पूजा। 22 का सरस्वती पूजा एकदम क्या ही बताए, भयंकर वाला था, भयंकर राइड। मतलब इतना ऑफ रोड था ना, इतना मतलब इतना टायर्ड फील हो गया हुआ था उस टाइम। तो इधर से यही ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। अभी हमारा ऐसे भी चाक दुख रहा है और ऊपर से ये ऑफ रोड इतना इतना दूर तक तो ठीक ही था रास्ता। अभी अभी आके शुरू हो गया हमारा। सब हम लोग जब आ रहे थे तब मैंने वहाँ रुका था थोड़ा थोड़ा आगे, मतलब कॉलेज का नाम से नहीं बोला लेकिन एक स्कूटी में तीन लड़की थी एक स्कूटी में, और इतना स्पीड आ रही थी ना, और बिना किसी के पास हेलमेट अगर वो लोग कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए क्या होता है ना, मतलब थोड़ा अपना सेफ्टी अपना खुद के साथ रखना चाहिए। तो स्टूडेंट भी इन डिसिप्लिन, स्टूडेंट का यूनिफॉर्म, एक कॉलेज या स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने के बाद यू शुड बी इन डिसिप्लिन, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है स्टूडेंट मतलब ये उम्र ही ऐसा होता है कि क्या ही बताएं आप लोग को, मतलब रहे ही नहीं, क्या बोलता है वो रहा नहीं जा रहा है, हाँ ऐसा वाला होता है। लेकिन जब भी करे तो भी क्या करे, लेकिन हम वो दर्द समझ सकते हैं। एक मतलब स्टूडेंट का स्टूडेंट लाइफ क्या होता है बोल के वो मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए तब भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग, मतलब जब तक यूनिफॉर्म पे है तब तक यूनिफॉर्म का रेस्पेक्ट करके आप ऐसा कुछ गलती ना करें जो मतलब थोड़ा अगर बाहर पब्लिक को अच्छा ना लगे, पब्लिक को क्या अपना मतलब इन्वायरमेंट को अच्छा ना लगे, यही कहना चाहता हूँ मैं। अगर मेरा बात अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। छोटा मोटा डायलॉग हम भी मार लेते हैं कभी कभार, ये सब ना ऐसा क्या होता है ये नॉलेज। हम एक बात बताना चाहते हैं मेरा ब्लॉग के थ्रू से, ये बात एक्चुअली सच्ची है। लाइफ में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो मतलब जो लाइफ सिखाता है ना आपको, आपको स्ट्रगल कर करके जो सीखते हो ना आप लाइफ, जो मतलब लाइफ पीरियड जो टाइम में है, जो जब स्कूल लाइफ हो या मतलब कॉलेज लाइफ हो या मतलब आउट ऑफ कॉलेज जो भी हो, जो स्कूल सीखा नहीं पाता है ना, स्कूल कॉलेज टीचर जो सीखा नहीं पाते ना, वो मतलब लाइफ सिखा देता है आपको, वो शायद आप लोगों को पता होगा, वो लाइफ सिखा देता है। मतलब इतना अच्छी तरीके से सिखा देता है ना कि मतलब ज़िंदगी अलग ही हो जाता है वो मतलब स्ट्रगल झेलने के बाद ना, जब लाइफ आपको पढ़ाने लगता है ना, कुछ सिखाने लगता है, आपका लाइफ अलग दुनिया में चला जाता है, मतलब अलग रास्ता रूट ही अलग हो जाता है। तब जब स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में होते हैं तो थोड़ा कुछ मतलब करना चाहिए। मैं नहीं ये नहीं बोलूँगा मत करो, एंजॉय मत करो, घूमो मत, थोड़ा बहुत उत्पाद मत करो, ये नहीं बोलूँगा। लेकिन जब आपको लाइफ सिखाना लगे ना तब कुछ अलग ही हो जाता है। और आप लोग को शायद पता है या नहीं, मेरा मतलब मैं मोटो ब्लॉग में एक्चुअली इंस्पायर ऐसा इंसान से हुआ हूँ जो मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, मैंने भी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी अभी भी जीरो पे हूँ बोल सकते हैं। लाइक ऐसा इंसान से हुआ हूँ जो मतलब अपने प्लेस अपने विलेज अपने गाँव सबको इंस्पायर करके थैंक यू जो भी मतलब यहाँ से बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं बोलो मेरा सब्सक्राइबर है या नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कैन बोल रहे थे थैंक यू। ये तो मैं क्या बता रहा हूँ, इंस्पिरेशन के बारे में, तो मेरा इंस्पिरेशन है ना जो इंस्पायर, जिनसे मैं इंस्पायर हूँ वो उसका मतलब आप लोग बहुत लोगों को पता ही होगा, मेरे सब्सक्राइबर को पता जिसको है उन लोगों को, मतलब काफ़ी मेरा जो कॉन्टैक्ट में उन लोगों को तो पता ही है मैं किनसे मतलब किस इंसान से इंस्पायर हो गया। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, वो है MRV ब्लॉग, मैक बी राइडर बीबी, वहाँ से बिलोंग करते हैं। पानबारी भन्नु ल मलाई, पानबारी अघि पार भइसक्यो, अघि पार भयो अँ, वहाँबाट त्यो दलङबाटै दलङबाटै पार भएको को छ हौ पानबारीमा, फेरि ए को छ पानबारी छैन, पानबारी 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 पानबारी
था, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये क्यों पूछ रहा है पानवाड़ी, लेकिन अभी पता चलिए ये बने है ना दोस्त। हाँ, तो उसका एक दोस्त है, एक दोस्त रहती है पानवाड़ी में, रेमगढ़ पानवाड़ी से बिलोंग करती है। अगर वो भी मेरा ब्लॉग देख रही है तो आपको मेरा भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ भी रहूँगा, जिस कंडीशन में जिसके भी साथ रहूँगा, मैं ब्लॉग करते रहूँगा, आप लोगों को मिलते रहेगा। देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए व्यू, चारों तरफ हरियाली के बाद करते डुब डुब कर यार मैं कच्चा एक के चढ़ चौका में आए पूरा बच। मैंने भी एक नंबर लगा दी, मैं भी बाइक चलाते चलाते बाइक चलाना भूल गया शायद। क्या होता ना, वो इतना छोटा था, इतना प्यारा था, लेकिन चक्का में आ गया ना तो मेरा मोटो डुब 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 कर लिया था। हम फाइनली यही है मेरा मामा का घर, हम लोग पहुंच गए हैं मामा घर, हम लोग आए हैं मामा घर। फाइनली कड़ाओ, फाइनली मिले। ऑल राइट गाइस, हम आए थे मामा घर और हमारे मामा पलटन से अभी अभी घर आए थे। मैंने मामा का यूनिफॉर्म पहना है, अभी ऐसा दिख रहा हूँ, कमेंट कर देना मैं भी पलटन में जाने से ऐसा दिखता हूँ शायद। चल पल क्या है, चल पल, मैं भी पलटन में जाने से ऐसा ड्रेस मिलता होगा मुझे भी। तो मैंने एक दो फोटो क्लिक किया है, वो इंस्टाग्राम में डालूंगा, एकदम कमेंट कर देना। हमारा भाई नहीं पहना था, भाई का भी फोटो क्लिक किया, लेकिन भाई को ये ड्रेस थोड़ा फिट नहीं हुआ ना, तो मुझे एकदम फिट आ रहा है, तो एकदम पूरा दिख रहा होगा। मैं भी एकदम हजुआ कस्तो देख दिशा एकदम ठीक नहीं। वो अब पल्टन तीर जान पर्ने रहे, सही हो। ऑल राइट गाइस, यहाँ के नजारा देख सकते हैं और आप लोग और हम लोग का भी नजारा देख सकते हैं। एक हमारा स्प्लेंडर, अगर मेरा बाप ने ये वीडियो देख लिया ना, मेरा घर पे मेरा मुझे तेल लगा के पेलेंगे। एक बाइक में हम चार है, अगर ये वीडियो मेरा धीरज ने देख लिया है तो ये नजारा के साथ साथ मुझे भी नजारा बना देंगे। कोई नहीं यार, हम यही सोचते हैं कभी कभार मेरा बाप ये वीडियो ना देखे, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। एक हाथ से चलाना पड़ रहा है, देखिए हम प्रो प्लेयर है ना, एमआरपी से इंस्पायर हुए हैं, तो इतना तो देखिए ऐसा टर्निंग में भी हम इजीली काट सकते हैं। तो हम लोग कल मतलब इधर जाने का प्लानिंग हो गया हमारा, कल फिक्स है, हम लोग जा रहे हैं। ये वीडियो कल सुबह 7 बजे आ रहा है, आज रात को एडिट होगा। तो यार अभी हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं खेलेगा, बहुत दिन हो गया, हम भूल गया तरह खेलने के लिए। ये भाई खेल, ये प्लेयर है, डीपू से आया है, डीपू से कार्बी रंग का प्लेयर है, हम भी कार्बी रंग है। तो क्या मोबाइल पकड़ो यहाँ से। मेरा भाई एकदम पूरा गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, हम मतलब कुछ बात पूछने वाले थे, लेकिन वो अभी भी वो म्यूट करके रखा हुआ है, पता नहीं था ये लौंडा साला लड़की पटा पाएगा बोल के। मैंने कभी सोची नहीं होगी ऐसा वाला डायलॉग कर देता यार ये लोग। तो मैं इस तो कुरो छा यार, गड़ाओ क्यों यार। हमारे गाँव देने आज फुटबॉल खेलना, हमारा भाई आज फुटबॉल आन देगा, चौल बॉल आन देगा आज ग्राउंड में।
एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा और फिर दिस वीडियो डॉट फॉर टू सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब करने का बेल ऑप्शन ऑन कर देना, तो साथ ही में लाइक और कमेंट भी कर देना कैसा लगता है वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। और लाइक मैंने फोटो इंस्टाग्राम में डाला है, वहाँ जाके लाइक कर देना, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर देना। सो ये वीडियो इधर एंड करते हैं, अभी वीडियो एडिट कर रहा था, लास्ट पार्ट नहीं बना रहा, सो अभी मैं बना रहा हूँ, अभी एडिट करता हूँ और कल मतलब 7 AM को आ ही जाएगा। सो या बाय बाय, गुड नाइट, मेरा तो गुड नाइट हो रहा है, आप लोग को गुड मॉर्निंग हो सकता है। सो एनीवे, बाय गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लॉग, स्टे ट्यून, बाय।